So hi guys, let's have a look at the instrument cluster of the CB350 Hynes. So as soon as I turn it on, it does a full swipe, and there are a few icons which some of you would get confused with. This is a traction control. So this traction control is only one level. Honda calls it HT, not sure with what they call it, but it's basically a traction control. Honda calls it torque control system, Honda torque control system, correct me if I am wrong. And this is the neutral button, this is the ABS switch. It always turns on when you start your bike. After around 10 or 20 kilometers, maybe around 10, this switches off, stating that aapka jo ABS system hai, wo theek se kaam kar raha hai. So this should go off. Agar ye off nahi ho raha hai aur ye continuously lit up hai, to iska matlab aapke ABS system mein kuch problem hai. तो हम लोग अगर इस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं, और ये एक ही लेवल पे आता है, इसमें कोई लेवल्स नहीं होता है, तो उसको ऑफ करने के लिए आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे दो बटन दिया है, एक और दो, तो उसमें से ये नीचे वाला बटन है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच है ये. तो उसके लिए अगर आप क्लिक कर रहे हो और आपका ट्रैक्शन कंट्रोल बंद नहीं हो रहा है, इसका प्रॉब्लम ये है कि आपका जो इंजन का क्विल स्विच है वो मिड पोजिशन में होना चाहिए, जिसमें आपका सिस्टम चेक होगा, आपको एक साउंड आएगा, और अभी आप इसको बंद कर सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को नीचे का बटन को होल्ड करने करके. जब आप होल्ड करते हो, आपको यहाँ पे एक आइकॉन आता है जिसका ये बताता है कि आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है. तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, मेरे को बहुत अच्छा लगा इस प्राइस सेगमेंट में. मेरे को नहीं लगता कि कोई भी व्हीकल ये फीचर देता है, और लोग बोलते हैं कि ये कुछ काम का चीज़ नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर गेटिंग ए सेफ्टी फीचर एंड यू शुड एक्सेप्ट इट एंड यू शुड फील गुड दैट यू आर गेटिंग समथिंग एंड यू आर पेइंग फॉर समथिंग एंड यू आर गेटिंग इट, गेटिंग ए सेफ्टी फीचर, एंड इट्स ऑलवेज अप्रिशिएटेड. सो द अदर थिंग इज दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज वेरी डिटेल्ड. इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊँगा. एक तो इसमें आपका टोटल किलोमीटर कितना कवर होगा वो बताया. इसमें मेरा 346 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है. नीचे यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है. सो यू गेट नाउ द फ्यूल इज ऑलमोस्ट, इट हैज़ टू बी रिफ्यूल्ड, एंड इफ अगर वो रिजर्व पे आ गया तो ये ब्लिंक करने लगेगा. दिस इज़ योर गियर इंडिकेटर. जैसे अगर मैं अभी गियर चेंज करूँगा तो इट विल शो मी देयर. सो दिस इज़ द गियर इंडिकेटर. एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर क्लॉक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल एज वेल. सो दैट इज़ योर क्लॉक. एंड द नेक्स्ट वन, if we click the button on the top, it'll show you a trip A. So trip A, how many kilometers it has covered. Trip B, how many kilometers next it has covered. Next आएगा trip B, इसमें भी आपको ये बताएगा कि कितना किलोमीटर कवर हुआ है. अगर इसको रीसेट करना चाहते हो तो आपको ऊपर का बटन होल्ड करके रखना है. तो नेक्स्ट फीचर में हम लोग जाएंगे, तो ये आपका फ्यूल, ये एवरेज है. दिस इज़ इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी. अगर आपने कार पे भी देखा है, आजकल बहुत सारे कार्स में ये फीचर आ रहा है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ये वही है. बट इसको अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको इंजन ऑन करना पड़ेगा. सो आई विल स्विच ऑन द इंजन. इन दिस यू डोंट हैव टू प्रेस द क्लच, बट द प्रॉब्लम इज द गियर इज ऑन फर्स्ट, सो आई हैव टू पुट इट ऑन न्यूट्रल टू स्टार्ट द इंजन. और मैं क्लच नहीं दबा रहा हूँ, सो आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट द इंजन. दिस इज रियली हाई क्वालिटी स्विच गियर एट दिस प्राइस. सो ये हुआ मेरा. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अभी इसीलिए ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों रीसेट है. तो ये स्टार्टिंग से आपको बताएगा कितना एवरेज किलो कवर्ड है. तो ये ब्लिंक इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका इंजन स्टार्ट नहीं है. जब आपका इंजन स्टार्ट होगा तभी ये फंक्शन करना स्टार्ट करेगा. नेक्स्ट फीचर है ये आपका ट्रिप ए एवरेज है. सो द अदर वन वॉज नॉट योर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी. आई मीन येस, दैट वॉज योर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी. ये आपके ट्रिप ए में कितना टोटल एवरेज दिया है गाड़ी, that it'll give you that information here. So this is one thing. And range, what is the range that your bike can go, the amount of fuel that is there in your vehicle, that is 50 kilometer. ये 50 kilometer के बाद आपको 50 kilometer के ऊपर नहीं जा सकते, ये गाड़ी यही बता रहा है. सो रेंज इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस फीचर. तो रेंज के बाद अब नेक्स्ट फीचर अगर हम लोग जाएंगे तो ये है बैटरी. बैटरी वोल्टेज फॉर अ हेल्दी बैटरी इट शुड बी अबव 14. Now it's currently charging, it'll increase slowly as I move. So ये एक चीज़ है. And the other thing is ये आपका न्यूट्रल का लाइट है. एंड अदर देन दैट वही, ये इतना ही फीचर्स है इसमें, इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में. अदर देन दैट इसके जो ब्लूटूथ के कंट्रोल्स है, इसमें एक ऐप आता है
Honda Connect app. I'll be giving you a full detailed explanation on the Honda Connect Road Sync app. So उसमें मैं बताऊंगा कि how does this work and what are the features it has. और आप देख सकते हो जैसे होंडा के हाई एंड व्हीकल्स आते हैं उसमें हॉर्न ऊपर होता है, इंडिकेटर नीचे होता है, इस गाड़ी में भी वैसे ही है. स्विच गियर क्वालिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव सीन एट दिस प्राइस. आप जो भी टच करते हो इट्स ऑल हाई क्वालिटी. अगर आपको फुल बीम और हाई बीम अगर कंट्रोल करना है इट्स वेरी सिमिलर टू KTM. तो दिस इज़ योर फुल बीम एंड दिस यू कैन नॉट स्विच इट ऑफ, इट्स ऑलवेज ऑन. एंड एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑन दिस व्हीकल इज़ द इंडिकेटर इज़ ऑलवेज ऑन. सो दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर टू अदर होंडा हाई एंड व्हीकल्स एज देयर लाइट्स आर ऑलवेज ऑन. तो ये गाड़ी में भी वैसे ही है, दीज आर ऑलवेज ऑन. सो इफ़ आई टर्न ऑन द इंडिकेटर सो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. ये चीज़ ब्लिंक होगा बट ये भी ऑन ही रहेगा. तो इट्स नॉट द सेम एट द बैक. बैक में ऐसा नहीं है कि चालू ही रहेगा, इट इज़ नॉट ऑलवेज ऑन. सो दैट इज़ वन थिंग दैट इज कन्फ्यूजिंग बट एट द एंड इट्स मोर ऑफ अ सेफ्टी फीचर. इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट यूज टू इट. आई रियली लाइक दिस LED लाइट्स. I'm sure the camera is not doing justice on how good it looks in real life. So this is really nice. And the exhaust sound, I'll be showing it to you guys. So this was the overall features what you get on the speedometer cluster. I will be showing you the Road Sync app details as well on the other video. Stay connected and subscribe to the channel and stay tuned. I'll give you more details on the Honda CB350 Highness in the future. So thank you guys, thank you for watching the video. Have a good day, take care, bye.